नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। दोबारा से हम लाइव आ चुके हैं। इस बार मौका है टाउन हॉल का, जहां पर आप पहले तो ये भीड़ देखिए और भीड़ के बाद यहां के जो चीफ गेस्ट हैं चेतन सालुखे जी, डांस प्लस फोर के विनर, कल हमने इनका इंटरव्यू आपको दिखाया था, आज यहां पे जज करना है। सर, कल दो दिन से आप यहां पे सिखा रहे डांस, आज जज करने वाले, क्या बच्चों पे कैसा लग रहा है, क्या होने वाला? यस, अभी दो दिन तो देखा उन्हें, सो आज शायद ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि सब लोग अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे, जो उनके पास जो टैलेंट है वो सब आज स्टेज पे दिखा देंगे। सो एक्साइटेड हूँ, काफ़ी सारा एक्साइटेड हूँ मैं, अभी लेट्स सी व्हाट हैपन। और यहाँ पर हमारे साथ आकाश हरी जी मौजूद हैं। सर, हम देख रहे थे आप शहर हमारा गुड्डा शहर घूम रहे थे, क्या कहिए गुड्डा के बारे में? गुड्डा माई लव, हैप्पी, बहुत अच्छी जगह है गुड्डा, यहाँ का सबका प्यार बहुत सबको मिला। और आज जो बच्चों को मैंने आज टैलेंट देखने के लिए आया, आज बच्चों को मैं टैलेंट देखूंगा यहाँ पर, जो बच्चे गुड्डा का बच्चे का। आकाश हरी जी आज हमें दिख गए थे गुड्डा घूमते हुए, तो आज हमने उनसे ये भी पूछ लिया। और यहाँ पर जो हैं आप यहाँ पर जो हैं मौजूद हैं, यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ इंडिया के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो भी मौजूद हैं। सर, क्या कहिएगा, आज आज क्या देखने को मिलने का मौका मिल रहा है? आज एक्चुअली बच्चों का टैलेंट देखने को मौका मिलेगा, जो हमने सिखाया वो तो सिखाया, बट उनसे पहले से उनके अंदर क्या टैलेंट है, हम लोगों के सिखाने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंट लेवल चेंज हुआ है, ये हमें आज पता चलेगा देख के। क्योंकि एक विनर के सामने परफॉर्म करना उनके लिए भी बड़ी बात है, और हमें भी उनका टैलेंट देख के उनको निहारना जरूरी है। कोशिश करेंगे हम कि आज यहाँ से कुछ बच्चों को आगे जाके कभी फ्यूचर में कुछ चांस दे सके तो जरूर दें। सर, डांस जो है फिटनेस को लेके आप हमेशा आगे रहते हैं, हमने देखा डांसिंग में भी आप लगातार बच्चों को जो है एक्सरसाइज करने के लिए कर रहे थे। कुछ लोग अभी हैं जो कि घर पे बैठे हैं, लाइव देख रहे हैं और यहाँ आना नहीं चाह रहे, भाई रेस्ट कर रहे हैं, क्या बोलेगा उनको यहाँ बुलाने के लिए? एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से मैंने पहले भी एक मैसेज दिया था, वापस देना चाहूंगा कि डांस खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, जो मेंटली और फिजिकली सबसे ज्यादा फिट रखता है लोगों को और सबसे ज्यादा खुशी देता है। तो मेरे हिसाब से हर किसी को एक घंटा अपने आप को जरूर देना चाहिए अपने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि सब मेंटली टेंशन में प्रेशर में रहते हैं अपने लाइफ में। तो मैं चाहूंगा कि अपने अपने घर में, डांस क्लासेस में, कहीं पे भी एक घंटा अपने फिटनेस और अपने खुशी के लिए डांस करें। और जो लोग अभी यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, घर पे बैठे हैं, वो भी आए और यहाँ पर हमारे साथ, और यहाँ पर अब हम जो है गोविंद जी को हम देना चाहेंगे यहाँ से आभार। माइक आप संभालें और बात करें यहाँ पे हमारे हमारे साथ यहाँ पर गोड्डा की नगर उपाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, क्या कहिएगा जिस तरीके से अब गोड्डा के छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े कलाकार से अगर सीख रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ये एक बेहतर मंच है बच्चों को सीखने समझने का और आगे बढ़ने का, तो ये बहुत बेहतर है कि आज आरती सिंह के वजह से इतने बड़े बड़े लोग गोड्डा में आ रहे हैं, हमारे नगर भवन में आए हैं और यहाँ छोटे बच्चे को मंच प्रदान कर रहे हैं और ये लोग आगे बढ़ेंगे, बस इसकी शुभकामना हम उनको देते हैं। और हम सब भाग्यशाली हैं और आरती सिंह जैसे महिलाओं के द्वारा इतना अच्छा मंच प्रदान यहाँ के बच्चों को हो रहा है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारे साथ में गोड्डा की नगर उपाध्यक्ष और बता रही थी किस तरीके से यहाँ पर, और अब कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा। हम आप तक शायद कार्यक्रम को ना दिखा पाए, और यहाँ पर यहाँ के जो डांस सिखाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कुछ बोल रहे हैं, उसको सुनिएगा एक बार। तो यहाँ पर चेतन सालुखे, यही वो इंसान है, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया और भारत के बड़े शो में इनका वहाँ नाम आया और डांस प्लस फोर के विनर यहाँ पर है। विनर काफ़ी, उनके साथ में कई जो डांस के दिग्गज लोग हैं, रेमो डिसूजा हो या फिर और भी कई तरह के लोग हो, वो इन लोगों को सम्मानित किए और 25 लाख का चेक, जहाँ तक मुझे अनुमान है 25 लाख का चेक भी इन्हें दिया गया था। काफ़ी गाँव के तरीके से आना, इनके माँ बाप जो थे वो भी काफ़ी गरीबी हालत में थे, इस वजह से ये लड़का जो है वो डांस किसी से सीख नहीं पाया था। YouTube उस समय मददगार होता है जब आपका कोई नहीं होता है, जब आपके पास सब कुछ ना हो, तो फोन बड़ा अच्छा चीज़ है। अगर और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम नगर अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लगातार जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, पिछले कार्यक्रम में भी आए थे, बड़े डांसर को यहाँ बुलाया गया था और उनसे बच्चों को सिखाया गया था, अभी भी बड़े कोरियोग्राफर सब यहाँ पर आ रहे हैं, गोड्डा के बच्चे का भविष्य कहाँ है, क्या कहिएगा? गोड्डा के बच्चे का भविष्य अच्छा है,
और ये गोड्डा में हमारे बच्चे के परिजनों का, गार्जियंस का सोच इतना अच्छा है जिसका वर्णन ऐसा सोच कहीं दूसरे जगह नहीं हो सकता है। दूसरे जगह देखते होंगे बच्चा कहाँ, माता कहाँ, पिता कहाँ, लेकिन यहाँ प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को लेके, आप देखे होंगे कि शाम में गांधी मैदान में टहलाते हैं, उसको खेलने ले जाते हैं, पढ़ाने में आप देखिएगा प्रत्येक गार्जियन, बड़े शहरों में देखे होंगे कि बच्चों को बस पर लगा दिया वो घर चले गए, लेकिन यहाँ के गार्जियन स्कूल ले जाते हैं, स्कूल लाते हैं। डांस एकेडमी में भी बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा गार्जियन अच्छे हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देखे होंगे कि हमको लगता है कि 2.5 साल का बच्चा है वो डांस सीख रहा है। 2.5 साल का बच्चा अगर वो भी अगर इतने बड़े किसी डांसर से डांस सीखेगा तो उसके अंदर से अभी ही इच्छा शक्ति जागेगी। और देखिए शिक्षा घर से ही मिलती है, जब तक इस छोटे स्टेजों पर उनका भय नहीं टूटेगा तब तक वो बड़ा स्टेज डील नहीं कर सकता है। तो हम लोग तो एक छोटा स्टेज दे रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, मनोबल बढ़ेगा तो कहीं भी इंडिया जीतेगा, दुनिया जीत सकता है, गोड्डा ही है जो दुनिया जीतेगा। तो ये हमारे साथ नगर अध्यक्ष और बता रहे थे किस तरीके से गोड्डा की जनता में भी वो काबिलियत है, गोड्डा के गार्जियन में भी वो है जो अपने बच्चों को बढ़ावा लगातार देते आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे अब तैयार हैं अपने टीचर्स के सामने में, अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बच्चे तैयार हैं और ये वो बच्चे अब परफॉर्म करेंगे डांस प्लस 4 के विनर चेतन सालूके के साथ सामने। और यहाँ पर अब सॉन्ग शुरू हो गया है, हम किसी वजह से आपको ये कॉपीराइट इशू के वजह से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे सॉन्ग, लेकिन हम लोगों तक बातचीत बिल्कुल हम मेरा जारी रहेगा, ये कमेंट्री जारी रहेगा मेरा और इससे हम आपको दिखाएंगे। सालुके के सामने यहाँ पर डांस यहाँ पर किया जाएगा, गुरुकुल डांस के ये तमाम बच्चे हैं डांस का शो यहाँ पर दिखा रहे हैं। पब्लिक को एक बार दिखाइएगा आप पीछे किस तरीके से यहाँ पर पब्लिक यहाँ पर मौजूद है और छोटे छोटे बच्चे का डांस यहाँ पर देखा जा रहा है। सॉन्ग यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और बच्चे उस सॉन्ग पर यहाँ पर थिरकते भी नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे का परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा यहाँ पर गोड्डा की धरती से। और यहाँ पर अब अगले को बुलाया जाए उससे पहले हम कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत कर लेंगे। और ये यहाँ पर एंकरिंग कर रही हैं और सभी इस गुरुकुल डांस एकेडमी से यहाँ पर जुड़े हुए हमारे साथ यहाँ पर कुछ इनके गार्जियन, इनकी मम्मी है। आपकी बेटी लगातार जिस तरीके से एंकरिंग कर रही है, क्या कहिएगा, कहाँ से सीखी है? मैं तो पहली बार इसे देख रही हूँ एंकरिंग करते हुए, सीखी नहीं है, बस उसका वो जो भी चीज देखती है वो कर लेती है। मुझे सिखाने का मतलब उसको जो है ये नहीं पड़ा है हमको कि हम उसे सिखाएंगे, तो हर चीज में उसको देखते हैं कि अप टू डेट रहती है, किसी भी चीज को देख के वो सीख लेती है। तो देख करके सीख लेती है, डांस वांस भी करने का इरादा है? हाँ वो डांस भी करती है, मैं स्टेज पे कभी नहीं उतारी उसको कि ये चीज सीखो, वो कुछ भी चीज को देखती है जैसे टीवी में हुआ या किसी भी चीज में हुआ वो देख करके उसको उतार लेती है हुबहू। तो ये वो लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके बच्चे यहाँ पर, और बता रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे में यहाँ पर टैलेंट है। यहाँ पर ये प्रकाश सिन्हा है, इनके बारे में अगर बताएं तो ये इनके बारे में आपको क्या? जी ये ज्वाइंट परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और यहाँ पर आज बच्चों को इन्होंने कोरियोग्राफी सिखाई है और डांस लगातार बच्चों को सिखाने में काफ़ी आगे काफ़ी उत्साह के साथ ये जो है यहाँ पर डांस सिखा रहे थे। और ये इसी समय अभी हम आपके साथ बने हुए हैं, थोड़ा म्यूज़िक का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, कॉपीराइटेड म्यूज़िक नहीं बजा सकते हम लोग, लेकिन हम आपको फिर भी कोशिश करेंगे परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। और बता रहे हैं
जी। पर लोग देखिए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर किस तरीके से यहाँ पर आए हैं और ये लोग परफॉर्म करेंगे, और सबसे बड़ी बात तो मुझे बार बार लग रहा है कि अगर कोई बड़े आर्टिस्ट के सामने अगर उन्हें परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो उनका मनोबल अभी से ही बढ़ रहा है कि हम जो है बचपन में उनके सामने परफॉर्म किए थे, तो इनसे उनका मनोबल बढ़ेगा और वो डांस के में उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे, उसको लगातार कोशिश करेंगे कि हम डांस में और कितना आगे बढ़ सकें, उसको देखा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं गोविंद जी। आप जिस तरीके से इतने बड़े रियलिटी स्टार को अगर आप गुड्डा में बुलाते हो तो कहीं ना कहीं लगातार ये छोटे छोटे यही बच्चे होंगे या फिर इनके वो टीचर होंगे जो टीवी से चिपक जाते होंगे जब उनका चेतन सालुके का शो आ रहा है और उनको सामने से देखेंगे, उनका परफॉर्मेंस को देखेंगे, उनसे सीखने का अगर उनको मौका मिलता है तो ये बड़ी बात है और गुड्डा के लिए बड़ी बात है। गुड्डा जैसे छोटे शहरों में अगर इतना बड़ा अगर होने लगा तो अब हमारा गुड्डा बता दे कि अब वो छोटा नहीं रहा, वो गुड्डा हमारा भी बड़े शहरों के जैसे बहुत बड़ा हो गया है। और मैं जानकर बता दूं, ये चेतन सालुके जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं क्योंकि मैं बात कर रहा था उन बच्चों से और ये बच्चे रात भर जग के इनका डांस देखा करते थे। ये ऐसे नहीं कि हमने किसी को भी उठा के ले आए, ये सच के यहाँ पे डांस प्लस फोर के विनर हैं जिनके लोग पहले से जान रहे हैं, जिनके लिए लोग पहले से दीवाने हैं। किस प्रकार से मैं सुन रहा था बच्चों के उत्साह को कि लगातार ये अपने मन से नए नए डांस स्टेप क्रिएट करते थे और कितनी बार असफलता मिलने के बाद फाइनली इन्हें सफलता मिली, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और आज इतनी कम उम्र में उनका यहाँ पे आना और यहाँ के बच्चों को बताना अपने आप में बहुत ही ज्यादा, जैसा बताया जा रहा है कि 20 साल के उम्र के जब वो थे तभी उन्होंने डांस प्लस फोर को जीत चुके थे, और जो कि इतने गरीब बैकग्राउंड से आने के बाद कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। हम दर्शकों वो चेहरा दिखा रहे हैं, यही वो चेहरा है, वही लड़का है जो कि अपने इतने कम उम्र में किस तरीके से मुकाम हासिल कर लेता है। कोई अगर इसमें यही है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको पैसे की या फिर कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका भी यही कहना था कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, इनका भी कोई टीचर नहीं था, लेकिन अगर आपके अंदर में है उत्साह, आपके अंदर में अगर वो इच्छा शक्ति है करने की कुछ, तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, तो वो एक है। और उसी उनके लिए ये हम इनका मेरे मन में कुछ अधिक इज्जत हो गया इस तमाम चीजों को लेकर के, और आज बच्चों को यहाँ पर सिखा रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। छोटे छोटे बच्चे इनसे सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अब हम थोड़ी देर में हम बच्चों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं, अभी क्या है। हम बैक स्टेज कोशिश रहेगी कि भाई यहाँ पर लोगों से बात करें और जान सकें कि भाई किस तरीके से यहाँ पर चीजें जो हैं यहाँ पर। तो कोशिश करोगे आप तो कोई भी बच्चे कहीं पहुंच सकता है। और मैं यहाँ पर चाहूंगा अगर आरती और मुकेश और पूरी टीम कोई है, आप लोग डांस कर रहे हैं आज को, डांस करने वाली हैं आज? नहीं, अब क्लास दो दिन से कर रहे थे इसीलिए। अच्छा, हाँ, आप लोग वर्कशॉप में थी, कैसा लगा वर्कशॉप? बहुत अच्छा लगा। क्या बोलिएगा, क्या क्या नया नया सीखने को मिला? बहुत कुछ, डांस का स्टेप और पॉप वगैरह सीखने के लिए मिला, तरह तरह की चीजें यहाँ पर बच्चों को सीखने का मौका मिला है। और अब और यहाँ पर जो एंकर हैं लगातार आपसे तालियों का अनुरोध करते हुए, और मैं फिर से गुजारिश करूँगा जितने लोग यहाँ नहीं आए हैं, कुछ कुर्सियाँ पीछे खाली दिख रही हैं, आइए बैठिए, एंजॉय करिए, काफ़ी मज़ेदार कार्यक्रम होने वाला है। क्रिसमस का जो मौका मिला है तो बिल्कुल एंजॉय करिए। वेलकम आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, हु इज नन अदर देन रोशन एंड हिज ग्रुप, जो लेकर आ रहे हैं हमारे बीच गणेश वंदना। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जी हाँ, तो ये अब यहाँ पर परफॉर्मेंस शुरू हो रहा है और कॉपीराइट के कारण हम आपको ये नहीं दिखला सकते, हम माफ़ करें, लेकिन अगर आप गुड्डा में हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, टाउन हॉल आइए और लाइव ही मज़ा ले लीजिए इस कार्यक्रम का। तो इसी के साथ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं लाइव को और कहते हैं कि एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से मैं हूँ राज, और तब तक के लिए धन्यवाद।